हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है आपका एक नया सीरीज़ का नाम क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मतलब पिछले क्लास में मैं इसका जिक्र कर दिया था कि मैं क्लोज टेस्ट के ऊपर एक नया सीरीज़ लाने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुका है अभी तक कि सर इसको कैसे डील किया जाए, इसको कैसे सीखा जाए, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के क्या मेथड है। तो मैं आपको सिंपल सा एक उपाय बताता हूँ कि क्लोज टेस्ट को करने के लिए, क्लोज टेस्ट पर कमांड पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी से रिलेटेड, उसी बोर्ड से रिलेटेड जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व भी अच्छे तरीके से करो। यानी कि देखो, मैं जो अभी क्लोज टेस्ट का जितने सारे सेट यहाँ पर लिया हूँ, ये किसी ना किसी बुक से ही लिया हूँ, प्रीवियस ईयर के बुक से। मैं वो सारे बुक का जब सॉल्यूशन देखता हूँ, उसके एक्सप्लेनेशन को देख रहा हूँ, तो मुझे रोना सा आ जाता है कि भाई पता नहीं कोई 6-7 क्लास का जो बच्चा है वो इसको सॉल्व करके चला गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दे करके चला गया है। मतलब बहुत वाहियात तरीके से लिखा गया है, बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट भी दे रखे हैं। मतलब है तो मैक्सिमम, मतलब 90% उसमें सॉल्यूशन सही है, उसका कॉन्सेप्ट भी सही है, लेकिन 10% क्वेश्चंस के आंसर उसमें बहुत गलत तरीके से बताए गए हैं। ठीक है, तो एक टीचर से पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जितने छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और अक्सर क्लोज टेस्ट में वही सारे कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से कि कैसे डील करना है। अब ध्यान देना एक चीज़ को, देखो मैं प्रीवियस ईयर क्यों पढ़ने बोलता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कई सारे क्लोज टेस्ट में आप देखोगे कि दैट, एक ऑप्शन में दैट है, दूसरा ऑप्शन में विच है। आप समझ नहीं पाओगे जब तक इसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि दैट और विच में फ़र्क क्या है, है ना। तो सिर्फ एक बार नहीं पूछा गया, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार पूछा गया है। हालांकि पैराग्राफ और स्टोरी जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही सारे जो कॉन्सेप्ट है इसी को पूछा जाता है बार बार। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो क्लोज टेस्ट को, और अच्छे तरीके से, गलत तरीके से नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्लोज टेस्ट को आज देखने वाले हैं, जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे उसमें वो मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा, बस आपको सुनना है, सीखना है। अब देखना, मैं एक कोई मैराथन क्लास इसके लिए नहीं ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैराथन क्लास में होता यह है कि मान लिया जाए मैं आपको 10 घंटे के वीडियो बना करके दे दूँ, उसमें क्या होगा, मान लिया जाए 50-60 ऐसे क्लोज टेस्ट होंगे जिसमें उसका सोल्यूशन होगा। आप देखोगे एक घंटे तक देखे बोर हो गए, फिर बाकी आप छोड़ दोगे। तो मेरी कोशिश ये है कि एक एक सेट को, मतलब क्लोज टेस्ट के एक एक सेट को करते जाऊं, और आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में देखो और सारे कॉन्सेप्ट को सीख लो। ठीक है, तो ऐसे आप बोर भी नहीं होगे और अच्छे तरीके से सीख भी पाओगे। अब ज़रा देखिए, हम लोग का पैटर्न ये होगा कि पहले हम लोग छोटे एग्जाम को टारगेट करेंगे, मतलब MTS को देखेंगे, MTS के सारे पेपर को मैं सॉल्व करके आपको दूंगा, इसके बाद CHSL को, फिर CGL के सारे प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट को, फिर CPO, और मतलब जितने सारे एग्जाम्स हुए प्रीवियस ईयर में सबका क्लोज टेस्ट को मैं करा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे कॉन्सेप्ट को आपको धीरे धीरे सीखना है। क्लियर? टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, एक ग्रुप दिखाई देगा आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, त्रिगीतम सर्च करोगे एक ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन कर लेना इसको। और PDF अगर आपको चाहिए इसका, तो मैं कमेंट में दे रखा हूँ एक लिंक, उस ऐप को आप डाउनलोड करोगे, सारे PDF आपको वहीं से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉरी। अब ज़रा देखो, अगर आप वोकैबुलरी को अच्छे ढंग से सीखना चाहते हो तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। क्लियर? अब ज़रा बात करते हैं। देखो, क्लोज टेस्ट फर्स्ट, ये MTS का पेपर है, SSC MTS, और 2nd ऑफ अगस्त में कब पूछा गया है, ये 2018 का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो अभी एक ही सेट देखेंगे हम लोग, उसके बाद सेट नंबर सेकंड देखेंगे अगले वीडियो, तो बाकी सेट को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और एक वीडियो में एक ही सेट को देखने वाले हैं। अब ज़रा आपको करना क्या है देख लो, सारे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार पूरे पैराग्राफ को सरसरी निगाह से देख लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर बैठ करके एग्ज़ाम में पूरा एकदम फुर्सत से पढ़ रहे हैं एक एक लाइन करके, है ना, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, एकदम सरसरी निगाह से ऊपर ऊपर से आपको बस मन में ही पढ़ लेना है। अब जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि मुख्य रूप से ह्यूमैनिटी के बारे में पूछा है। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, है ना, जितने मानव के गुण होते हैं उसके बारे में ये बता रहा है। अब ज़रा देखो, यहाँ पर एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि क्या इसका ऑप्शन होगा,
ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं और कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, तो क्यों होगा, और जो आंसर इसके नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण है, क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, ये दे रखा कि ह्यूमैनिटी कैन बी, पढ़ते जाओ, ह्यूमैनिटी कैन बी ब्लैंक एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, बस इतना ही पढ़ो। अब देखो क्या है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आप देखते हो तो आपको पता चलता है, देखो यहाँ पर है डिफाइन, क्या है ये, फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइन, दूसरा है डिफाइनिंग, तीसरा है डिफाइंड, चौथा है डिफाइंस। अब जरा बात करते हैं, देखो यहाँ पर है कि ह्यूमैनिटी कैन बी, ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइन होगा, डिफाइनिंग होगा, डिफाइंड होगा, और फिर डिफाइंस होगा, एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। देखो अब एक एक करके अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि डिफाइन, डिफाइन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिफाइन जो है एक वर्ब है और ये किसी प्लूरल के साथ आता है, है ना, प्लूरल के साथ आता है। अब ह्यूमैनिटी आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आप कहोगे कि सर डिफाइंस हो सकता है ना, तो डिफाइंस तो क्यों नहीं होगा, आप देख लिए, डिफाइंस क्यों नहीं होगा, डिफाइंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मॉडल, मॉडल जो होता है, जैसे यहाँ पर कैन है ना, तो मॉडल के साथ अगर बी आता है तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो सिंपल से वर्ड में डिफाइन नहीं होगा, डिफाइंस नहीं होगा, मॉडल है प्लस बी है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म डिफाइंड होगा, क्लियर, और इस तरीके से डिफाइनिंग भी आपका नहीं होगा। तो साफ साफ अगर दिख रहा था कि ह्यूमैनिटी कैन बी, यानी कि कोई चीज़ को डिफाइन करने के बारे में ये बता रहा है, तो कैन है एक मॉडल और इसके साथ बी आया है तो इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जो कि डिफाइंड होगा और बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर द पिक्यूलियर नेचर मैन, अब देखते हैं हम लोग क्या दिया है यहाँ पर, सेकंड जो ऑप्शन है ऑफ है, इन है, एट है और टू है, देखते हैं जरा यहाँ पर पिक्यूलियर नेचर बोल रहा है किसका, मैन का, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं, ये पूरे मानव जाति के बारे में बता रहा है ना। पिक्यूलियर का मतलब होता है, इसको बोल सकते हो खास, है ना, अनोखा, अनोखा बोल सकते हो कि जो अनोखा नेचर होता है किसका, मैन का। तो मैन का के सेंस में है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि पजेशन, पजेशन का मतलब होता है अधिकार, है ना, तो इंसानों के बारे में बता रहा है ना, तो इंसान का यानी कि उसका पजेशन के बारे में बता रहा है, तो पजेशन के बारे में कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन है जो बताता है, तो वो होता है आपका ऑफ, क्लियर यहाँ तक, तो ऑफ होगा इसका क्या आंसर, है ना। द पिक्यूलियर नेचर ऑफ मैन, या फिर नेचर ऑफ मैन, नेचर ऑफ अ पर्सन, ऐसे कहते हैं, मतलब किसी के पोजीशन के बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकेंड में देखो ऑफ होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर, ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। इन नहीं होगा क्योंकि पोजीशन को नहीं बताता, एट भी नहीं बताता और टू भी नहीं बताता पोजीशन को। चलिए कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है कि मैन के पोजीशन के बारे में बता रहा था तो ऑफ का इस्तेमाल किए, बाकी का नहीं करेंगे क्योंकि बाकी पोजीशन के बारे में नहीं बताता। फिर आगे क्या दिया है, बाय व्हिच ही इज डिस्टिंग्विश्ड, है ना, मतलब जिसके द्वारा ये क्या है डिस्टिंग्विश्ड है, ही का मतलब मैन के बारे में बता रहा है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, है ना, सबसे अलग। ब्लैंक है अदर बीइंग्स, दूसरे जितने बीइंग्स होते हैं, प्रजातियां होती हैं, उससे ये बिल्कुल अलग होता है ना, तो यहाँ पर ब्लैंक है। तो देख लो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑप्शन अलोंग है, यहाँ पर क्या है, अलोंग है, फोर है, बाय है, फ्रॉम है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर आपका फ्रॉम होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान यहाँ आपको ये देना होगा, फिक्स प्रपोजिशन है ये, तो फिक्स प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड के साथ आपका फ्रॉम आता है, जब किसी दूसरे से हम अलग करके चीज़ों को देख रहे हैं तुलनात्मक रूप से, तब उसके साथ हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिफरेंट फ्रॉम, है ना, यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड, ऐसा कहते हैं। तो भाई डिफरेंट के साथ, डिस्टिंग्विश्ड के साथ, और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या बताया, औरों से अलग, है ना, सबसे अलग, तो डिस्टिंग्विश्ड है या फिर डिफरेंट है, ये दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन होता है फ्रॉम, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका फ्रॉम लगेगा इस वाले ऑप्शन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में, क्लियर। तो एक बार फिर से पढ़ के देख लो कि ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड
एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन द पिक्यूलियर नेचर ऑफ मैन बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बीइंग्स। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, अगला है बीइंग ह्यूमन। अच्छा, आपको लग सकता है कि ये सर बहुत आसान वाला पैराग्राफ है ना, तो ऐसा नहीं है। अब आगे के जैसे भी सेट देखोगे आगे के एग्जाम्स में, तो एमटीएस में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्लोज टेस्ट को पूछे गए हैं, तो सबको आपको सीखना है। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि बीइंग ह्यूमन ब्लैंक नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पजेसेस ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर देखो बीइंग ह्यूमन है ना। अब यहाँ पर क्या है देख लो, ऑप्शन देख लो। यहाँ पर फोर्थ में हैड है, यहाँ पर ये हैड है, डज है, हैज़ है और डीड है। सबसे पहली बात करते हैं कि हैड होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हैड क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैड दो चीज़ के बारे में बता रहा होता है, एक तो आपका पास्ट टेंस के बारे में बता रहा होता है, पास्ट परफेक्ट के बारे में, और हैड आपका पजेशन के बारे में भी बताता है ना। किसी के पास कोई चीज़ थी तो हैड का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि क्यों नहीं होगा। बीइंग ह्यूमन हैड नॉट मीन, हैड नॉट होगा, बिल्कुल नहीं, ये पजेशन के बारे में नहीं बता रहा, इसलिए हैड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, और ना ही ये पास्ट के बारे में बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि देखो इस वाले पार्ट को अगर आप देखते हो, इस वाले पार्ट को, एन इंडिविजुअल पजेसेस ह्यूमैनिटी, एन इंडिविजुअल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? इस वाले पजेस वर्ड का, है ना। तो एन इंडिविजुअल आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ आपका प्रेजेंट टेंस का एक दे रखा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, है ना। मतलब इससे पता चल रहा है, पजेसेस से, इस वाले वर्ब से पता चल रहा है कि सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो हैड का प्रयोग तो इसलिए भी नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होता है, नहीं होता है यहाँ पर, है ना। तो पूरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो कोई ना कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला ही वर्ड यहाँ पर यूज होना चाहिए। अब जरा देखो, हैड है तो क्या डज होगा? बिल्कुल डज होगा, है ना। क्या होगा? डज इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देख लो, बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पजेसेस ह्यूमैनिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो डज ही होगा, चलिए यहाँ तक सीख गए। अब आगे देखते हैं, डिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी पास्ट को बता रहा है, तो डिड तो होगा नहीं, है ना। तो पास्ट में सेंटेंस है नहीं, तो डिड भी नहीं होगा। हैज़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पोजीशन के बारे में नहीं बता रहा, अधिकार के बारे में नहीं बता रहा, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर डज होगा। चलिए सारे कॉन्सेप्ट हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे, हो सकता है ये आपके लिए आसान लगे, है ना, फिर भी आप देखते जाओ, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ चीज़ों को हम जानते हैं, मतलब एक रीडिंग हैबिट होती है तो हम जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं जानते, तो आप हो सकता है कारण को सीख लोगे। तो ये सेंटेंस था कि बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पजेसेस ह्यूमैनिटी। क्लियर है यहाँ तक? आखिरी क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पर है, वन ऑफ द ब्लैंक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इन ए ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन पोर्ट्रेड ब्यूटीफुली बाय मदर टेरेसा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। पहले आप ऑप्शन पे जाओ। देखो एक चीज़ और गौर करना, मैं पैराग्राफ का मीनिंग नहीं समझा रहा, मैं वहाँ पर जितने सारे ब्लैंक दिया हुआ है उसमें छुपे हुए जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बस बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। समझाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट सीखना सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। ज़रा देखते हैं फिफ्थ में क्या होगा। यहाँ पर दे रखा है मोर, मैनी, मोस्ट और मच, इन चारों में क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान देना कि वन ऑफ द जो है ये क्या मोर के पहले आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं? मतलब मोर नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि मोर के पहले द का प्रयोग हम नहीं करते, क्लियर। कुछ केस में करते हैं जो मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ आर्टिकल्स वाले में, ठीक है, जो 1000 गोल्डन रूल्स वाला सीरीज है उसमें मैं बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल सी बात है कि मोर के पहले, यहाँ पर अगर मोर का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर देते हैं तो मोर के पहले द का इस्तेमाल आप कैसे करोगे? तो वन ऑफ द है, इसलिए हम मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। अगला है मैनी, मैनी भी नहीं होगा, है ना, वन ऑफ द मैनी आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैनी भी आपको क्या बताता है, नंबर को बताता है, क्लियर। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैनी के पहले हम द का प्रयोग करेंगे,
ठीक है, मोस्ट मोस्ट क्यों होगा, मोस्ट इसलिए होगा क्योंकि मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि वन ऑफ द जो है, वन ऑफ द का प्रयोग होगा तो इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ही होगा। क्लियर? तो वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पर कहना ज़्यादा उचित है और मोस्ट का ही यहाँ पर प्रयोग होगा। लास्ट में मच है तो मच का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ये सिंपल सी बात है कि क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, मच का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी आप देखोगे वन ऑफ का जो प्रयोग होता है, सिंपल वन ऑफ को देखो, वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल क्या आता है, काउंटेबल नाउन है ना, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स है। तो मच का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मच हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मेनी का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पर द का प्रयोग दे रखा है, तो द का प्रयोग के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री को ही रखेंगे, इसलिए यहाँ पर मोस्ट होगा, मेनी को नहीं रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। एक बार मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ कि क्या इसका आंसर होगा, देख लो। यहाँ पर है, ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। डिफाइंड इसलिए क्योंकि, मतलब आप रिवाइज करा रहा हूँ ध्यान से सुनना, डिफाइंड इसलिए होगा, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई मॉडल है उसके साथ बी आया है तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। द पिक्यूलियर नेचर ऑफ मैन, ऑफ यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि मैन के पोजिशन के बारे में बता रहा है, और पोजिशन यहाँ पर जब हम ऑप्शन देखते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑफ, जो कि पोजिशन को बता रहा है, इसलिए ऑफ होगा यहाँ पर, बाकी नहीं होगा क्योंकि बाकी पोजिशन के बारे में नहीं बता रहा। बाय विच ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बींग्स, फ्रॉम क्यों होगा क्योंकि डिस्टिंग्विश्ड और डिफरेंट के बाद फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका बींग ह्यूमन डज नॉट मीन, है ना, हैड नॉट नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसलिए डज का प्रयोग यहाँ पर होगा। वन ऑफ द है इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, मोस्ट का। तो क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो अगले सेट में हम लोग देखेंगे क्लोज टेस्ट का, सेकेंड सेट आफ्टरनून वाले शिफ्ट में क्या पूछा गया था, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा सीख पाओगे, मतलब इस क्लास से ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसमें सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए, और जिनको भी मेरे से पर्सनली चाहिए पर्सनल गाइडेंस, जो भी आपके डाउट होते हैं प्रैक्टिस जब भी कर रहे होते हो, तो उसको मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, है ना, आपके डाउट क्लियर करता हूँ, और इसमें आप वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से सीख पाओगे। तो चलिए, इस सीरीज़ का भी मैं टारगेट देता हूँ, मतलब फर्स्ट वीडियो है तो कम से कम 50 लाइक्स आप लोग दे देना, नेक्स्ट वीडियो मैं रेडी रखूँगा आपके लिए। क्लियर? तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।